अस्सलामुअलैकुम, मेरे डियर व्यूअर्स के लिए आज का व्लॉग मजेदार अफगानी पुलाव और बारबेक्यू प्लेटर पर, जो आपको कहीं दूर नहीं बल्कि कराची के बीचों बीच हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर ही मिलते हैं। तो जानिए इनका जायका वाकई में कैसा है, इनकी प्राइस और रेस्टोरेंट की लोकेशन आगे वीडियो में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूं कमाल और आज मैं आया हूं हुसैनाबाद पर, जहां पर ओपन हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त अफगानी रेस्टोरेंट, जिसके खाने माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये खाने खाने के लिए अब हमें अलग से जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि हुसैनाबाद पर रहते हुए कराची के बीच में रहते हुए हम इधर खाना खा सकते हैं। रेस्टोरेंट का नाम है सदीकी रेस्टोरेंट। तो चले अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट का माहौल और इनके खानों का जायका किस तरह का है, और साथ ही में इसकी प्राइस भी। चले आए। सदीकी रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर कराची हलीम के बिल्कुल पास में मौजूद है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा और साफ सुथरा है। सिटिंग इंडोर की गई है, जहां आप इजीली बैठकर अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं। ये यहां का मेन्यू कार्ड, जिसमें सभी किस्म के बारबेक्यू रोल और स्पेशल अफगानी खाने बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मौजूद हैं। तो चले मजीद मालूमात लेते हैं यहाँ के ओनर से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम क्या है? मुख्तार अहमद। अच्छा, और ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है? सिद्दीकी रेस्टोरेंट। तो ये कहाँ पर ओपन करा है? ये हुसैनाबाद में। अच्छा, तो ये आज ओपनिंग है? जी जी, ओपनिंग आज। अच्छा, तो ये कौन से खाने होते हैं? ये हमारा अफगानी आइटम है, अफगानी सीख बोती, अफगानी कबाब, और अपना बारबेक्यू भी है, चरगा भी, अफगानी पुलाव भी हमारे पास। अच्छा, इतने सारे आइटम आप? जी जी। अच्छा, ये सारे खाने खाने के लिए हमें अलावा वगैरह नहीं जाना पड़ेगा? अभी ज़रूरत नहीं जाने का। अच्छा। दूर जाने का ज़रूरत नहीं, हुसैनाबाद में अफगानी आइटम इधर ही खुल गया, आज इफ्तिताह है। इंशाल्लाह एक बार जैसे मेहमान लोग आएगा, एक बार टेस्ट करेगा तो ज़रूर नहीं दूर जाने का, तकलीफ नहीं देंगे किसी को। जी। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से खाने किस स्टाइल के साथ तैयार किए जाते हैं। यहाँ तैयार हो रहा है जबरदस्त किस्म का बारबेक्यू, जिसमें सभी किस्म के जबरदस्त अलग अलग आइटम मौजूद हैं। और ये ओपन हुआ है यहाँ का जबरदस्त अफगानी पुलाव, जो कि मेरा फेवरेट है।
तो पहले दिन ही यहाँ पर बेइंतहा रश हो चुका है। और साथ ही में हमारे अफगानी पुलाव और बारबेक्यू की प्लेटर तैयार होकर आ चुकी है और दिखने में ही जबरदस्त किस्म की लजीज लग रही है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अफगानी पुलाव। अच्छा, इतनी कोई जबरदस्त खुशबू आ रही है ना, वाकई में लाजवाब। वाकई में बहुत अच्छा जायका है। अच्छा, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। किशमिश है इसमें और गाजर डाली गई है, जिसकी वजह से ना काफ़ी अच्छा एक हल्का सा मीठा जायका भी आ रहा है इसमें से। वाकई में अफगानी पुलाव ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी सीख कबाब को ट्राई करते हैं। बीफ का सीख कबाब है। बहुत ही मज़ेदार है और प्लस बीफ बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ है और जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए गए हैं उसकी वजह से बहुत अच्छा जायका आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं है, जिसकी वजह से बीफ का जायका वाकई में अलग ही निकल के आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ट्राई करते हैं इसकी मलाई बोटी। देखिए कितने अच्छे तरीके से पकी हुई है, पूरी तरह से बिल्कुल मलाई जैसी। बाकी में मैं बोलना चाहूँगा यहाँ का हर टेस्ट लाजवाब है। सीख कबाब से लेकर अफगानी पुलाव, मलाई बोटी, एवरीथिंग बहुत फर्स्ट क्लास है। मलाई बोटी ऐसी है मुंह में फौरन घुल जाती है। तो लास्ट में जाते जाते मैं बोलूँगा कि यहाँ का जायका वाकई में लाजवाब है। हर चीज़ अपनी जगह बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो अब आपको अरासी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कराची के बीच में हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर आपको यही खाना बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लाजमी हो ज़रूर आए। तो फिर आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें, उसे लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।